सेशन में हम समझेंगे कि आज भारत में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या स्थिति है, हम बाकी देशों की तुलना में कहाँ हैं और हमारे पास भविष्य में कितने अवसर हैं। एंटरप्रेन्योरशिप यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास के लिए एक अहम योगदान माना जाता है और यह हर सदी में अलग अलग तरह से विकसित हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमी के पहलू जैसे कि जॉब्स, इनकम, पॉपुलेशन, ये सभी ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। इनोवेटिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के जरिए दुनिया काफी बदल चुकी है और जिसकी वजह से कई देशों की इकोनॉमी भी बदल गई है। भारत दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है जिसमें हम यूरोप के कई देशों के साथ व्यापार करते आए हैं। भारत हमेशा से एंटरप्रेन्योरियल और बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाने के प्रयासों में शामिल रहा है, लेकिन अब यह जानना जरूरी है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। अब हमें इसे समझने की आवश्यकता क्यों है? दुनिया तेज गति से आगे बढ़ रही है और अगर हम एक मजबूत और विकसित अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, तो हमें यह जानना होगा कि हमारे पास किन चीजों की कमी है और हम इसे कैसे पार कर सकते हैं। इसलिए हम किसी भी देश के तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करेंगे जो देश के विकास में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इनमें समावेश होता है शिक्षा, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप का। पहले हमें यह समझना होगा कि ये तीनों मुद्दे एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं। सामान्य रूप से जो लोग सही शिक्षा लेते हैं उनके पास नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं, मतलब शिक्षा का रोजगार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा मुद्दा जो रोजगार को प्रभावित करता है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी देश में रोजगार निर्मिति का काम करती है ताकि देश के अर्थव्यवस्था का विकास हो। इसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप रोजगार को बढ़ावा देती है। इसे हम फिर से आसान शब्दों में समझते हैं। अगर शिक्षा और एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रोथ रेट ज्यादा है तो बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होगा और अगर एंटरप्रेन्योरशिप का रेट कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज्यादा होगा।